अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज आपके लिए स्वीट एक रेसिपी, बड़ी अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, चॉकलेट मूस ट्रैफल। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैंने ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको मिक्स करना है पहले, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टेबलस्पून चीनी है। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून वनीला सेंस है, 1 टेबल स्पून। और ये 1 अंडे की जर्दी है, और ये 1 पिंच से भी कम नमक है, अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 लीटर दूध, 1 किलो दूध जाएगा इसमें। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इनको मैंने क्रश करना है, कैंडी बिस्किट है और इनको मैं क्रश करूंगी, ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी। ये मिक्स हो गया, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये और चलें जी, अब इसका गर्म होने का वेट करते हैं। ये देखें जी, इसमें बॉयल आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे, तो जब तक ये मैं आपको बताऊंगी, जब तक ये थिक हो जाए। और इसमें अब जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर, ये इसको क्रीमी और बड़ा अच्छा सा टेस्ट देगा। चलें, बटर मैंने डाल दिया, अब मैं इसको मिक्स करके कुक करती हूँ। ठीक करना है इसको, और इसको 3 हिस्सों में हमने करना है, मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। और ये बस, ये थोड़ा सा थिक होता है थोड़ी देर में, और इसको लो से मीडियम आपने फ्लेम पे पकाना है ताकि ये नीचे से जले ना, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया, वो इसको थिक करेगा। ये देखें जी, ऊपर बबल आने शुरू हो गए हैं, और ये देखें इतना थिक हो गया, इतना हमें थिक चाहिए। तो चलें जी, अब मैं आगे आपको बताती हूँ। और अब हम डार्क चॉकलेट जो है वो मैं ओवन में गर्म करती हूँ, तो फिर आगे आप। हाँ जी, ये देखिए चॉकलेट मैंने कर दी है, अब इसमें मैं डालूंगी ये गरम गरम ही इसमें डालना है मिक्सचर, थोड़ा सा मैं इसमें डालने लगी हूँ चॉकलेट में। और ये बच्चों को और मेहमान आए तब आप बना सकते हैं, सर्विंग ग्लास में मैं इसको करूँगी। चलिए जी, मैं इसको अच्छी तरह से दूसरे से मिक्स करती हूँ। गरम गरम ही आपने डालना है, चॉकलेट भी गरम करनी है और इसको भी आपने गरम गरम ही डालना है इसमें, ताकि चॉकलेट मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, चलिए जी, मैं आपको दूसरा बताती हूँ तो दूसरा क्या करना है। ये बिस्किट जो मैंने क्रश किए थे, ये डालने लगे थोड़े से, थोड़े से मैं डालूंगी। और इसमें भी अब मिक्सचर जाएगा, ये वाला थोड़ा सा, एक मैं सिम पर रखूंगी। चलें जी, अब इसको मैं मिक्स करूंगी। ये बड़े मज़े का डिज़र्ट है, बहुत ही टेस्टी है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखेंगे, अब ये भी एक मिक्सचर हो गया, मिक्स कर लिया मैंने, एक सिंपल रहेगा। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। चलें जी, चलें जी, अब ये देखें, जिसमें मैंने बिस्किट मिक्स किए थे, और ये मैंने लिया पाइपिंग बैग और सिंपल इसमें डाल दूँगी सारा मैं ये मिक्सचर। ये देखें, इसके साथ फिर हम इसकी लेयर बनाएंगे। सारा मैं इसमें डाल दूंगी,
इसको नीचे उतार लूँगी मैं। और पहले मैं आपको ये एक इधर रखती हूँ, मैं ये आपको बताती हूँ कि ये इसमें बिस्किट डालनी है। पहले हम बिस्किट, ये गिलास लिए हैं मैंने, ये देखिए बिस्किट डालने हैं पहले तीनों में। तीन बनाएंगे हम, आप इसी हिसाब से ज़्यादा बना सकते हैं। और आप ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बना के दें, गेस्ट आए तब आप बनाएं, बड़े मज़े का ट्राइफल आइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। और कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। चॉकलेट तो बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी, इसको थोड़ा सा चम्मच से हम ऐसे प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे सही तरह से। और ऊपर मैं डालूँगी ये बादाम, ये देखें जी थोड़े से बादाम, इसको थोड़ा सा। और पहले मैं ये डालूंगी थोड़ा सा, ये देखिए हाँ जी। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ, तीनों में मैं डाल लूंगी। ये देखिए पहले ये वाला बिस्किट वाला मैं डालने लगी हूँ, ऐसे सारा सेट कर लेंगे हम इसी तरह, इसमें ऐसे कर देना ताकि ये इक्वल हो जाए। ये देखिए अब मैं ये चॉकलेट वाला डाल दूँगी सारा, इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी मैं और इसको ऐसे डालूंगी चम्मच के साथ। ये चॉकलेट वाला है जो मैंने आपको बताया अभी, इसको भी ऐसे आगे से काटूंगी। गरम बहुत है लेकिन इसको गरम गरम ही आपने सर्व करना है। ये देखिए फिर बाद में आप इसके ऊपर आप चॉकलेट वाली लेयर लगा देते हैं, ये देखें जी इसी तरह इसके ऊपर भी। सारे लगा दूँगी फिर इसको बाद में आपने ठंडा करके खाना है और मज़े करने हैं, करवाने हैं, कब बना के बच्चों को दें, उनको मज़े करवाएं, बना के दें, खिलाएं उनको बना के। और ये देखें जी अब मैं इसके ऊपर जो सिंपल है वो डाल लूँगी। अब ये देखें जी, अब ये जो सिंपल है मैंने सिंपल निकाला था, ये हमारा कस्टर्ड जो है सिंपल जो मैंने बनाया वो मैं इसमें डाला है। अब इसको भी उसी तरह मैं करूँगी, इसकी भी लेयर सबसे ऊपर लगानी है वाली जो सिंपल है, इसको भी ऐसे काट लूँगी। और अब इसके ऊपर ये लगाएंगे, ये देखिए सबसे ऊपर ये वाई सिंपल वाला जो है। पाइपिंग बैग से इजीली आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखें जी डार्क चॉकलेट है मेरे पास, यही मैंने इस्तेमाल की थी और यही मैं ऊपर लगाने लगी हूँ। ये देखें चलें जी ये तैयार है हमारा चॉकलेट मूस ट्राइफल, ये देखें जी आप इसको ट्राई करना और ज़रूर बच्चों को बना के देना, बहुत पसंद आएगा। इसके साथ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।